एक गधा मैदान में हरी हरी कोमल कोमल धूप चल रहा था। अचानक जो उसने सर उठाया तो एक बाघ को अपनी ओर आते देखा। गधा समझ गया कि अब प्राण बचना असंभव है, बाघ के सामने से भाग निकलना भी असंभव है। फिर क्या करे, यूं ही प्राण खो दे, बड़े बूढ़े की कहावत बन गए हैं। अक्ल बड़ी या भैंस, क्यों न आज वही कहावत काम में लाए, बुद्धि से बल से नीचा दिखाएं और बाघ को उल्लू बनाएं। पिछले एक पैर से लंगड़ा लंगड़ा कर चलना शुरू कर दिया। बाघ ने गधे के पास जाते जाते पूछा, क्यों भाई गधे, यह तू लंगड़ा लंगड़ा कर क्यों चलता है? गधे ने उत्तर दिया, क्या कहें सरकार, दौड़ते समय पैर में एक बहुत लंबा बहुत मोटा कांटा चुभ गया है, उसी से पैर में बहुत कष्ट हो रहा है और मैं लंगड़ा कर चल रहा हूँ। बाघ ने पूछा फिर, गधे ने कहा, यदि खाने के विचार रखते हो तो पहले वह कांटा बाहर निकालो, कहीं ऐसा नहीं हो कि मुझे खाते समय वह कांटा गलती से तुम्हारे गले में अटक जाए और तुम्हें अपने प्राण खोने पड़े। बाघ को गधे का कहना जंच गया, उसने गधे का वह पैर उठाया और बड़े ध्यान से उसने कांटा ढूंढना शुरू किया। गधे ने यह मौका बहुत अच्छा समझा और कसकर दुलत्ती फटकारी तथा हवा के समान तेजी से भाग निकला। जो तड़ाक से दुलत्ती की चोट पड़ी तो बाघ का मुंह टेढ़ा हो गया, उसके सामने वाले दांत छड़ गए और जबड़े खून से भर गए। बस वह लज्जित होकर कह उठा, उफ, गधे की बुद्धि के सामने बाघ का बल कुछ काम न आया।